अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में झटपट वाली चिकन करी। तो मैंने जब फ़र्स्ट टाइम चिकन बनाना सीखा था तो मैंने फ़र्स्ट रेसिपी इसी को बनाई थी और घर पर बहुत ही पसंद आया था सबको, क्योंकि मेरी ये फ़र्स्ट रेसिपी थी चिकन की और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ इस रेसिपी को। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले चिकन ले लिया है हाफ के जी। चिकन को मैंने यहाँ पर अच्छे से वॉश करके रख लिया है और मैंने चिकन में इस तरह से कट्स लगा दिए हैं, ये आप देख लें। तो जो चिकन के बड़े बड़े पीसेस थे उसी में मैंने ये कट्स लगाए हैं, हर पीस में मैंने कट्स नहीं लगाए हैं। इसलिए मैंने कट्स लगाए हैं ताकि मसाला इनके अंदर तक अच्छे से जाए, मसाला अब्सॉर्ब कर ले ये पीसेस, ताकि चिकन पीसेस जूसी बने। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। तो मैं आज ये चिकन करी कढ़ाई में बना रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम भी मैंने कढ़ाई में बनाई थी। तो ऑयल मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्याज बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के ओनियन का यूज़ किया है और साथ ही में मैंने यहाँ पर कुछ होल स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें से 1 तेज़पात है और 1 बड़ी इलायची, 1 ग्रीन इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा और 1 ही दालचीनी का टुकड़ा मैंने ऐड किया है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई होने देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और प्याज को मैं यहाँ पर बिल्कुल ब्राउन कर लूँगी। बस इस बात का हमें ध्यान देना है कि प्याज यहाँ पर जले ना। तो अगर हम ओनियन को इस तरह से ब्राउन कर लेंगे तो हमारी करी का कलर बहुत ही बढ़िया सा आएगा, वरना हमारा जो चिकन है वो वाइट वाइट सा दिखेगा। तो यहाँ पर बढ़िया ओनियन फ्राई हो गए हैं, ब्राउन कलर में आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी और अब हमें यहाँ पर फ्लेम को हाई कर लेना है ताकि मसाले जल्दी जल्दी से भुन जाएँ और जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है इसका सारा कच्चापन निकल जाए। तो हमें जल्दी जल्दी फ्राई करते जाना है हाई फ्लेम पर। तो जिंजर गार्लिक ऐड कर देने के बाद हम यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो जिंजर गार्लिक का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। और पाउडर मसाले ऐड कर देने से हमारा मसाला जल्दी भुनने लग जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून चिली पाउडर। तो चिली पाउडर ऐड करते ही हमारे चिकन में कलर बढ़िया सा आ जाएगा। तो रेड चिली पाउडर आप जब भी ऐड करें तो आप फ्लेम को लो कर दें, क्योंकि जब हम हाई फ्लेम पर चिली को ऐड करते हैं तो वो बहुत जल्दी बर्न होने लगता है, इससे हमारे सारे मसाले बर्न हो सकते हैं। तो इससे हमारा टेस्ट और कलर दोनों ही ग्रेवी का ख़राब हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, यानी काली मिरी का पाउडर। रेड चिली मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है जीरे का पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून या फिर हसबे जायका। और इन मसालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मसालों को 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। ऑयल भी इन मसालों का सेपरेट हो चुका है। अब गैस स्टोव को लो कर देंगे और यहाँ पर हम 1/2 कप दही ऐड कर देंगे। तो दही हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर ऐड करना है और अच्छे से हम भून लेंगे लो फ्लेम पर। दही अगर हम हाई फ्लेम पर ऐड करेंगे तो ये फट जाएगा और इससे हमारी रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आप हमेशा लो फ्लेम पर दही को ऐड करें। अब हम यहाँ पर चिकन पीस ऐड कर देंगे। तो आप देखें मसालों ने किस तरह से ऑयल को रिलीज़ कर दिया है, सारा ऑयल यहाँ पर सेपरेट हो चुका है। तब हम चिकन पीस ऐड करेंगे और चिकन पीस ऐड करने के बाद हम फिर से फ्राई कर लेंगे। तो बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है हमारे चिकन में और अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर फ्लेम को हाई कर लिया है चिकन को फ्राई करते हुए, 3 से 4 मिनट हो रहे हैं और इसी तरह से हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करते जाना है। चिकन जब हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे तभी हमें यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है अपनी करी में। तो चिकन पहले से टेंडर हो चुका था। पानी ऐड करने के बाद हमने 10 मिनट यहाँ पर कुक कर लिया है अपनी ग्रेवी को और यहाँ पर हमने यहाँ पर गैस स्टोव बंद कर दिया है 10 मिनट बाद और ऊपर से हमने ऐड कर दिया है हरा धनिया। तो हरा धनिया ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना ऐड करें, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है। तो हमारी चिकन करी हो गई है रेडी। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।